एसोसिएट हैंडल्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी तो कोई प्रोसेस जो है वो उसको हैंडल तो मुझे करने का नहीं है, इसलिए उसकी जो हैंडल्स जो करना होगा तो मैं क्या कर एसोसिएट जो मैं ये यूज़ करूँगा। कुछ मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं तो मॉड्यूल्स को भी तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है आपके लिए और किसी के भी लिए भी नहीं है, क्योंकि ये जो मेन चीज़ें होती है वो ज़्यादातर नेटवर्क पर होता है और मॉड्यूल एसोसिएट मॉड्यूल होती है। फिर हमारी बात आती है दूसरे कॉलम, ये तो ओवरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क है, नेट, तो यहाँ पर तो ये सारे ओवरव्यू है जो सारे के सारे एक ही साथ बता दिए हैं। तो सीपीयू, डिस्क, नेटवर्क और मेमोरी के बारे में, ये सीपीयू, डिस्क, नेटवर्क और मेमोरी के बारे में बताया हुआ है। हमने सीपीयू के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पर जैसे क्लिक किया ओवरव्यू मतलब ये सारा का सारा एक ही विंडो में आ जाएगा, लेकिन हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो सीपीयू के बारे में वहाँ कंप्लीट हुआ। अब रही बात मेमोरी की, तो हम मेमोरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलता है वो चेक करेंगे, लेकिन पहले उससे हम समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हमारी रैम होती है और वो रैम जो होती है वो कितनी फास्ट चल रही है, कितनी यूज़ हुई है, आपके कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कौन सी सर्विसेज आपके रैम के ऊपर चल रही है और रैम के अंदर कितनी स्टोरेज है, कितनी स्टोरेज, कितनी मेमोरी खाली है और कितनी फुल है। तो इसको समझने के लिए आपको दो जगह से पता चल जाएगा, पहला तो यहाँ से रिसोर्स मॉनिटर से, दूसरा है टास्क मैनेजर से, तीसरा भी है वो कमांड लाइन से। तो ज़्यादातर मैं आपको मेमोरी से बता देता हूँ यहाँ पर। तो मेमोरी पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमको देखो मिलती है प्रोसेस। तो पहली जो विंडो होती है ये विंडो है हमारी, ठीक है, रिसोर्स मॉनिटर की, और ये हमारा मेमोरी के अंदर जो है ये ऑप्शन है हमारा, और इस मेमोरी पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हो प्रोसेस लिखा हुआ है और ये प्रोसेस की छोटी सी विंडो यहाँ पर दी हुई है, स्मॉल विंडो है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस चल रही है, जैसे कि यहाँ पर जो सर्विसेज चल रही है, ठीक है, ये प्रोसेस है, एक जो सीपीयू की प्रोसेस है और जो सर्विसेज है वो मेमोरी में आधी होगी और जितनी भी प्रोसेस होगी ज़्यादातर मेन प्रोसेस सीपीयू और मेमोरी के बीच ही होता रहता है। डिस्क में होता है, लेकिन डिस्क में तभी होता है जब मेमोरी और सीपीयू की एक निकली बेस पर आप काम करते हो। जैसे कि मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया, जब कोई भी फाइल ओपन की, तो वो फाइल जब ओपन होगी तो वो मेमोरी से पहले वो जैसे ही सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर मेमोरी को वो फिर से रिडायरेक्ट करेगा, फिर उसके बाद डिस्क में जाएगा, फिर वो प्रोसेस डिस्क में से जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर रैम को देगा, फिर वो रैम सीपीयू के लिए सीपीयू का उस इंफॉर्मेशन देगा, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, फिर से इसी तरह से चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसका प्रोसेस आईडी होता है और ये प्रोसेस मिनट सेकंड के अंदर होता है, मिनिमम सेकंड्स के अंदर। और जितना आपका प्रोसेसर पावरफुल होगा, रैम पावरफुल होगी, हार्ड डिस्क पावरफुल होगी, उतना ही कम टाइम लेगा वो लोड और प्रॉपरली चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात इसकी करेंगे मेमोरी के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो और राइट साइड पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजेड फिजिकल मेमोरी, मतलब अभी मेरे पास जो है 4GB की रैम है और ये 4GB की रैम के अंदर जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूज फिजिकल मेमोरी, फिजिकल जो मेमोरी है मेरी वो यूज़ की हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कमिट चार्ज लिखा हुआ है और यहाँ पर हार्ड फोल्ड सेक लिखा हुआ है। तो कमिट चार्ज क्या होता है, हार्ड फोल्ड क्या होता है, वो मैं आपको समझ देता हूँ। कमिट चार्ज वो होता है जो आपका सिस्टम के अंदर सीपीयू और मेमोरी के अंदर भी जो कनेक्शन जो एक जो हमारा जो सीपीयू का जितना भी सर्विसेज होता है यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेस होता है, उनका सारा का सारा जो प्रोसेस होता है और जितने भी इन दो के बीच में जो होता है वो कम्युनिकेशन को कमिट चार्ज होता है, और कमिट चार्ज को यहाँ पर बताते हैं। फिर
यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1634 MB यूज़ की हुई मैंने, मतलब 1.5 GB के आसपास चल रही है। और यहाँ पर हार्ड फॉल्ट सेकंड क्या होता है, हार्ड फॉल्ट मतलब एक एक सेकंड के अंदर कौन से वो फॉल्ट टनर्स की तरह यूज होता है, और वो हमेशा एक एक मिली सेकंड के अंदर, जैसे कि CPU में इस प्रोसेस एक के बाद इतनी सारी सर्विसेज चलानी होती है, तो CPU के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम जब CPU बना जाता है उसके अंदर भी एक चिप होती है, और चिप CPU की कैटेगरी वाइज होती है। उसके अंदर L1 L2 कैश मेमोरी होती है, L1 L2 कैश मेमोरी भी बहुत फास्ट काम करती है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम CPU के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेमोरी की, मतलब रैम की। और रैम जो होती है हमारी, वो हमेशा जब भी हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो हमारी वो रैम के ऊपर ही होती है, क्योंकि रैम जो होती है वो डेटा को रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या करता है, रैंडमली चालू रखता है, उसको एक्सेस देने का चालू करता है। आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये विंडो है, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। तो ये रैम जो होती है वो हमारे सिस्टम के अंदर, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्प्ले चल रही है, तो वो डिस्प्ले बताने के लिए भी वो रैम ही इस्तेमाल ज़्यादा होती है। और रैम का मेन प्रॉब्लम वो होता है जहाँ पर आप उसकी जो स्पेस होती है, और साथ ही साथ हमारे रैम के अंदर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, या सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जो 1 GB के होते हैं, 700 MB के होते हैं, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए भी रैम की जो स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी, वो भी बेहतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बात होती है रैम की, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रोसेस पर आऊँगा। प्रोसेस पर आप देख सकोगे कि 39% यूज फिजिकल मेमोरी, तो जो मिली मेमोरी है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल मेमोरी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1565 फिर कभी कभी 1578 6872 हो गया, तो ये जो है 1560 to 70 तक ही बीच में रहेगा, लेकिन कुछ चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पर अवेलेबल कितनी है, 2387 MB अवेलेबल, मतलब 2.5 GB के आसपास, ठीक है, यहाँ पर 1.5 GB है। तो मेरी 4 GB की रैम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है 101 हार्डवेयर रिजर्व। तो हार्डवेयर रिजर्व क्या होता है, हार्डवेयर रिजर्व वो सिस्टम की मेन फाइल होती है जो MB में पहले से स्टोर की जाती है, MB में पहले से स्टोर किया जाती है, और वो MB 101 MB 101 MB की होती है, कुछ भी हो सकती है, कितने भी आपकी 10 MB की भी हो सकती है। लेकिन हार्डवेयर रिजर्व क्या करता है, हार्डवेयर उस रैम की इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो रैम किस तरह की है उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हार्डवेयर रिजर्व करता है, और पहले से ही वो MB की साथ साथ जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 101 MB की हार्डवेयर रिजर्व है। तो ये जो रैम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो जहाँ पर रैम बनती है, जहाँ जिस कंपनी पर रैम बनती है वहाँ पर ही उस फाइल को बनाकर उसको स्टोर किया जाता है रैम में। आपने देखा होगा कि 4 GB की पेन ड्राइव आप लेते हो तो कि टोटली 4 GB की पेन ड्राइव आपको नहीं मिलती, क्योंकि कम से कम 3.9 GB लिखा हुआ होता है, क्योंकि कुछ फाइल जो होती है वो सिस्टम के यूज़ के कारण होती है, सिस्टम जितने भी होगी आपके कंप्यूटर, मान लो कि एक कंप्यूटर है उसमें पेन ड्राइव लगाई, फिर दूसरे कंप्यूटर में आपने पेन ड्राइव लगाई, तो ये जो पेन ड्राइव की जो मेन खासियत जो होती है, मेन जो इसका बेस जो होता है, वो हार्डवेयर का जो मेन इसकी फाइल होती है, और वो फाइल पहले चेक करेगा हमारा कंप्यूटर, उसके बाद ही उसके ड्राइवर वगैरह
सेट होने के बाद ही वो क्या बताएगा, आपकी पेन ड्राइव बताएगा। इसके लिए हार्डवेयर रिजर्व की कुछ फाइल अंदर से होती है, उसी तरह से हमारे रैम में भी होती है। तो रैम जो है वो हार्डवेयर रिजर्व 101 MB कर रहा है। मैंने यूज़ कितनी की है, यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर, और पता नहीं चला तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। मॉडिफाई क्या होता है, कुछ आपने चेंजेस किए हैं सॉफ्टवेयर में, तो फिर कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर आपने कुछ चेंज किए हुए, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। स्टैंड बाय क्या होता है, क्योंकि अभी वो पेंडिंग है, ठीक है। और जो है फ्री वो यहाँ पर 1-1 देख सकते हो, इतनी मुझे फ्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल मुझे चाहिए, तो क्या होता है अवेलेबल कितने है मेरे पास, 2373 MB, मतलब 2 GB के आसपास है। फिर कैचेट क्या होती है, कैश मेमोरी, ठीक है, उसके लिए होता है। टोटल क्या है, 3995, मतलब टोटल इतने ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टॉल मैंने कितनी की है, 4 GB। तो यहाँ पर हार्डवेयर बेस में जो जो 4 GB हुई है वो यहाँ पर आप 100 MB बात करके यहाँ पर आपको मिलेगी 3995, और उसके अंदर जितने भी मैंने यूज़ की है वो यहाँ पर कैश मेमोरी के अंदर आएगी, और यहाँ पर जितने भी अवेलेबल होगी ये दो कैलकुलेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों का कैलकुलेशन होकर यहाँ पर अवेलेबल मेरे 2368। अब जब भी मेरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नया होगा तो यहाँ पर ही होगा, इसी फ्री मेमोरी के अंदर ही, क्योंकि ये यूज़ हो चुकी है। तो इस तरह का होता है। अब आती है प्रोसेस के बारे में, सीपीयू की प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर मेमोरी की प्रोसेस है। तो क्या होता है, सीपीयू और रैम मेमोरी दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम अलग अलग। मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले साउथ ब्रिज को भेजेगा, साउथ ब्रिज वो नॉर्थ ब्रिज को भेजेगा सिग्नल, और नॉर्थ ब्रिज क्या होगा वो रैम को भेजेगा, रैम वो सिग्नल भेजेगा सीपीयू को, सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर से वो रैम को भेजेगा, फिर वो रैम जो है वो नॉर्थ और साउथ को भेजकर यहाँ पर आउटपुट देगा। तो ये जो चीज़ है वो प्रोसेस होती है। और जो डिस्क की बात होगी, तो डिस्क की जो डेटा है वो हमेशा स्टार्टिंग चलते ही रहेंगे, हमेशा 1 मिनी सेकंड के अंदर। मैंने आपको कहा था कि डिस्क के बारे में भी बताऊँगा। तो हार्ड डिस्क जो होती है, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस होगी, यहाँ पर प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमेशा उसका प्रोसेस आईडी होता है। यहाँ पर आपका कुछ अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर आप अलग अलग सिस्टम की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग सिस्टम की मेनू दिए है, और अलग सिस्टम की मेनू के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक करके। तो पहले बात है हमारी, आती है इमेज। इमेज क्या होती है, इमेज का इसने यहाँ पर प्रोसेस क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जब भी मैं क्लिक करूँगा तो वो इमेज के ये बॉक्स बॉक्स जो है ये, ठीक है, तो ये चेक बॉक्स कह सकते हो आप। इस चेक बॉक्स के साथ भी ये क्या हो जाएगा, हम वो टिक मार्क हो जाएगा। प्रोसेस आईडी है, हमेशा प्रोसेस आईडी होगा ही, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्रोसेस होती है, उसकी आईडी भी अलग अलग होती है। फिर हाँ, मैंने आपको कहा था कि हार्ड फॉल्ट सेकंड क्या होता है, ठीक है, हर एक अपना अपना जो सेकंड पर सेकंड मिनी सेकंड के अंदर उसका काम होता है। फिर कमिट जो होता है केबी के अंदर, मतलब जितने भी हमारी सिस्टम की रैम जो होगी, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ड फॉल्ट, तो कमिट चार्ज जो होता है, मतलब कि उसकी MB रैम के अंदर जितने भी सिग्नल भेजे जा रहे हैं उसको काम हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखो कमिट हो रहा है, सिग्नल भेजे जा रहा है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है, और यहाँ पर आपको क्या करता है, शेयर कर लेता है। तो यहाँ पर प्राइवेट, यहाँ पर कमिट की बात हो गई। वर्किंग क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर का वर्क होता है, वो सॉफ्टवेयर हो चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिफॉल्ट हमारा, जिस तरह से आप देख सकते हो कि ये भी एक तरह का प्रोग्राम ही है, ओके। तो मैंने मान लो कि मैंने कोई भी फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, तो भी एक तरह का इसका प्रोसेस जो है यहाँ पर चलेगा और वर्क करेगा। वो वर्क KB के अंदर करता है, MB के अंदर नहीं। और यहाँ पर
किलोबाइट्स को कहा जाता है। हमेशा जो आपको ज़्यादा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करने होंगे तो आपको रैम भी उतनी चाहिए होगी, जितनी रैम ज़्यादा होगी उतने आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाओगे। फिर यहाँ पर शेयरेबल लिखा हुआ है कि आपको शेयर करना है, शेयर किया हुआ है, यहाँ पर शेयरेबल लिखा हुआ है तो यहाँ पर शेयर किया होगा तो वो एक फाइल दूसरी फाइल के साथ हमेशा काम करती रहती, कोई भी एक ही फाइल नहीं होती, बहुत सारी प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस होती है, उसके रिलेटेड प्रोसेस होती है और रिलेटेड प्रोसेस हमेशा एक ट्रिक करते हैं उसको, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम अभी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कि यही कौन से सेटिंग्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके पार्ट में कि क्या होता है, यहाँ पर किस तरह की सेटिंग्स करना चाहिए हमें और कितना हमें फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर और हमें और इंफॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।